बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं इफ्रा काशिफ और आप देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। आज हम लोग देन हाइंस का स्पीकिंग मॉडल जो है वो उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। बेसिकली देन हाइंस ने एक मॉडल जो है वो डिवेलप किया था कि हम लोग जिसमें देख सकें कि हम एक पार्टिकुलर स्पीच इवेंट में किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से आपस में दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कि वो मॉडल क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करें कि देन हाइंस ने जो एक वर्ड है स्पीकिंग, उसको एज एन एक्रोनिम यूज़ किया है, जिसमें से हर एक वर्ड जो है, हर एक चीज़ को जो है वो सिम्बलाइज करता है, जिसमें एस जो है वो सिम्बलाइज करता है सीन एंड सेटिंग को, पी सिम्बलाइज करता है पार्टिसिपेंट्स को, ई सिम्बलाइज करता है एंड्स को, ए सिम्बलाइज करता है एक्ट सीक्वेंस को, के सिम्बलाइज करता है कीज़ को, आई सिम्बलाइज करता है इंस्ट्रूमेंटलिटीज़, एन फॉर नॉम्स एंड जी फॉर योनड्राज। याद रखिए आपने इसको योनड्राज प्रोनाउंस करना है, कभी भी आपने इसको जेनियर नहीं प्रोनाउंस करना है, इसकी प्रोनाउंसिएशन योनड्रा है, जेनियर नहीं है। ओके, उसके बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीन और सेटिंग। सीन और सेटिंग में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों का स्पीच इवेंट किस टाइम और प्लेस पे जो है वो सबसे पहले कंडक्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल आप लोग बात करें, आप कहाँ पर हैं, आप यूनिवर्सिटी में, आप घर में हैं, आप कैफेटेरिया में बैठे हैं या आप बैंक में बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं जब आप जो है वो किसी के साथ कम्युनिकेट करें। जाहिर सी बात है आप यूनिवर्सिटी में आपका बात करने का स्टाइल और होगा, आप वहाँ पर डिफरेंट तरह से बात करते होंगे, हो सकता है वहाँ पर उर्दू बोलते हो लेकिन घर में आप पंजाबी बोलें। इसी तरह आप एक बैंक में जाकर कम्युनिकेट करें तो आप एक फॉर्मल वे में कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन अगर आप एक कैफे में अपने फ्रेंड वगैरह के साथ बैठें तो आप और तरह से कम्युनिकेट करेंगे, और तरह से बात करेंगे। तो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन या फिर आपकी चीज़ें जो है ना, बेसिकली आपकी डिपेंड करता है कि आप किस सेटिंग में जो है वो प्रेजेंट है। फिर सीन में ये होता है कि आप किस साइकोलॉजिकली, आप ये साइकोलॉजिकल डेफिनेशन है बेसिकली कंट्री की। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि आप लोग किस बंदे के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे तो नहीं ना होता कि आप किसी फौजगी में जाकर कहें बहुत खुशी हुई, लेकिन अगर आप किसी शादी में जाकर ये कहें कि बहुत खुशी हुई तो वो अप्रोप्रिएट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग जो है वो किसी इंटरव्यू में बैठकर और तरह से बात करेंगे। ठीक है, और आप किसी और जगह पर बैठ के और तरह से बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई ईद का फंक्शन है तो आप किसी के घर कुछ मीठा लेकर जाएंगे, खासतौर पे अगर ईद उल फितर का मौका है तो आप किसी के घर कुछ मीठा लेकर जाएंगे। तो सेटिंग और सीन जो है ना वो हम लोगों की स्पीकिंग में, हम लोगों की बातचीत में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट जो है ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस बंदे के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स में तीन चीज़ें आ जाती हैं, एक तो स्पीकर जो बोल रहा होता है, दूसरा एड्रेसी जिसे वो एड्रेस कर रहा होता है, और तीसरे नंबर पे आ जाती है ऑडियंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखने कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं स्पीकर हूँ, ठीक है, और जो जिसको मैं समझा रही हूँ वो एड्रेसी है, और ऑडियंस जो मेरी बात सुन रहे हैं वो ऑडियंस है। आप इसमें एक न्यूज़ चैनल की एग्जांपल ले लें, एक एंकर पर्सन, एक टॉक शो होता है, वहाँ पे एक स्पीकर होता है, वो किसी दूसरे बंदे से बात कर रहा होता है। ठीक है, और जो डिफरेंट ऑडियंस जो है वो उसकी बात सुन रही होती है। फिर आप लोगों का डिपेंड करता है कि आप पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेंट वेरी करता है आपका स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, आपका स्टाइल ऑफ स्पीच, कि आप किस तरह से जो है वो दूसरे बंदे के साथ बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जिस तरह अपने फ्रेंड से बात करते हैं, आप उस तरह अपने टीचर से तो बात नहीं कर सकते। डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी वेरी करती है। जिस तरह आप अपने बॉस से बात कर सकते हैं करते हैं, उस तरह आप अपनी मदर से बात नहीं करते, क्योंकि बॉस के साथ आप एक फॉर्मल बिहेवियर में बात करते हैं, लेकिन मदर के साथ आपकी डिग्री ऑफ इनफॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, आप उनके साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, आप इमोशनली अटैच होते हैं, आप यूँ कह सकते हैं। तो इसी तरह आप फ्रेंड के साथ जो है वो कुछ भी बात कर लेंगे, उसको तुम कह के भी बात करेंगे, लेकिन टीचर के साथ आप कुछ स्पेसिफिक एक रिस्पेक्ट होती है जिसके थ्रू जो है वो आपने बात करनी होती है। ठीक है, आप जो है वो बेसिकली नॉर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स होम यू आर एड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एंड्स। एंड जो है वो रेफर करता है हम लोगों का पर्पज़ क्या है कम्युनिकेशन इवेंट में, कि क्या हम लोगों का क्या गोल है, हम लोगों ने किसी से आर्ग्यू करना है, हम लोगों ने किसी को ऑर्डर करना है, किसी को अप्रिशिएट करना है, किसी को इंस्ट्रक्ट करना है, किसी को गाइड करना है, किसी को अपना फ्रेंड बनाना है, तो ये बेसिकली हम लोगों के एंड में आ जाता है। उसके बाद है एक्ट सीक्वेंस। जब हम लोग कोई बात करते हैं ना किसी के साथ, तो हम लोग जो है वो एक स्पेसिफिक अंदाज में बात करते हैं, एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन आवर वर्ड्स। अच्छा, फिर एक दूसरी चीज़ आती है कि हम लोग कभी कभी एक बात होती है कि ऑन द सर्फेस हम लोगों की बात का कुछ और मीनिंग होता है, और बीनीथ द सर्फेस हम कुछ और कहना चाह रहे होते हैं, तो वो भी हम लोगों के एक्ट सीक्वेंस में आ जाता है। जिस तरह लिटरेचर में एक नॉवल है गुनिवर्स ट्रेवल्स, आप लोगों ने बचपन में ये स्टोरी पढ़ी होगी, अपेरेंटली तो आप लोगों को बड़ी, वो एक बड़ी अम्यूजिंग और कॉमिकल स्टोरी लगती है,
लेकिन बीनीथ द सर्फिस वो क्या हाईलाइट कर रहा है, वो पॉलिटिकल चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है, बेसिकली वो बता रहा है कि सोसाइटी को बता रहा है, मॉरली डिग्रेडेड पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसमें जो ड्वार्फ का साइज है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉरली डिग्रेडेड पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बीनीथ द सर्फिस आपका जो मीनिंग होता है ना वो आपके एक सीक्वेंस में आ जाता है, और इस किस तरह से और किस तरह से एक एक आप एक बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी को डायरेक्ट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वॉर्न करते हैं, जिस आपका ऑर्डर क्या आपकी बात का, जिस तरह टीचर कहते हैं ना आई प्रॉमिस यू विल फेल दिस टाइम इफ यू नॉट सबमिट योर असाइनमेंट ऑन टाइम, या आई प्रॉमिस यू इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो पहले वो प्रॉमिसिंग कर रहा है, बाद में वो आपको बता रहा है इस तरह से, जिस तरह यहाँ पर पहले वो प्रॉमिस कर रहा है आई प्रॉमिस इफ यू विल फेल दिस टाइम, ठीक है। दूसरे में वो क्या कर रहा है, वॉर्न कर रहा है इफ यू विल नॉट सबमिट योर असाइनमेंट, तो आपको डायरेक्शन दे रहा है, आपको वॉर्न कर रहा है, तो ये चीज़ आ जाती है बेसिकली रेफरेंस में। अब आप लोगों ने बचपन में डिफरेंट कहानियाँ सुनी होंगी अपनी अपनी नानियों से, अपनी दादियों से, तो वो जो था वो उसका एक बेसिकली एक मिडल होता है, एक बिगिनिंग होता है और एक एंड होता है। जिस तरह जब मैं छोटी होती थी ना तो मेरी अम्मा मुझे एक स्टोरी सुनाया करती थी, वो मेरी नानो बेसिकली, तो वो मुझे कहती थी कि एक ना मोटा सा भालू होता है और एक बियर होता है, वो दोनों एक घर में रह रहे होते हैं, तो जो डॉल होती है ना वो हनी बनाती है अपनी ग्रैंड माँ के लिए, ठीक है। उसकी ग्रैंड माँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बीमार होती है, तो वो भालू से कहती है कि भालू भालू क्या तुम ये दियाओगे हनी, तो भालू जो है वो कहता है कि हाँ मैं ये हनी जो है ना वो दियाऊँगा, लेकिन वो कहती है तुम रस्ते में खाना नहीं, तो भालू कहते हैं ठीक है मैं अभी आता हूँ। तो वो ना दिन में डॉल सोचती है कि ये ना ये मेरा हनी खा जाए, तो वो ना बैग छोटी सी तो होती है तो वो बैग के अंदर घुस जाती है, तो भानु जब भी वहाँ जाता है और जाकर हनी निकालने लगता है ना तो पीछे से आवाज़ आती है मोते भानु मैं देख रही हूँ हनी ना खाना। तो ना इस तरह से जितनी जितनी दफ़ा वो आगे जाती है ना तो यही आवाज़ आती है, तो भानु सोचते हैं डॉल मुझे इतनी देर से कब से देख रही है। तो वो अपनी ग्रैंड माँ के घर जब वो है वो पहुँच जाता है तो डॉल बैग ग्रैंड माँ खोलती है तो उसके अंदर से डॉल भी आती है। तो मैंने उनसे पूछा कि तो कुछ नहीं मिला भानु को, कुछ नहीं मिला भानु को, फिर हनी नहीं मिला क्या? तो उन्होंने कहा नहीं मिला ना, तो ग्रैंड माँ ने उसको जो है वो बाद में हनी डाल के दिया, भानु को भी डाल के दिया और डॉन को भी डाल के दिया। तो बीनीथ एक एक वैसे तो हम लोग देखें तो ये एक बेसिकली हम कह सकते हैं एक बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव और एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी है, लेकिन बीनीथ द सर्फिस उसके क्या मीनिंग है, बीनीथ द सर्फिस इसके ये मीनिंग है कि जो इंसान सब्र से काम लेता है, ईमानदारी से काम लेता है, एट द एंड उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है की बेसिकली रेफर करती है कि हम लोग किस तरह से अपना मैसेज जो है वो कन्वे करें, हम लोग के मैसेज की टोन क्या है, हम लोग किस तरह से बात करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ थैंक यू या मैं कहती हूँ थैंक यू, तो दोनों बातों में फ़र्क है ना, या मैं किसी को गुस्से से एक बात कहती हूँ तो क्या मैं आराम से एक बात कहती हूँ, या मैं कहती हूँ शुक्रिया, या मैं कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तो बेसिकली मेरी टोन वेरी करती है कि मैं किस चीज़ को एंग्री नहीं बता रही हूँ, मैं किस चीज़ को ह्यूमरस नहीं, सार्केस्टिक नहीं, मैं किस चीज़ को किस तरह से बता रही हूँ, डिसअपॉइंटिंग टोन में बता रही हूँ, वो हम लोग की कीज़ में आ जाती है। उसके बाद उसके अगला पॉइंट है इंस्ट्रूमेंटेलिटीज, इंस्ट्रूमेंटेलिटीज रेफर करती है कि हम लोग अगले बंदे के साथ जो है वो बेसिकली किस टाइम में जो है वो बात करें, किस डायरेक्ट में बात करें, किस रजिस्टर में बात करें, ठीक है। जब हम लोग जो है वो किसी बंदे के साथ बात करते हैं, बायोलॉजी के बंदे बायोलॉजिस्ट के साथ बात करते हैं, तो हम लोग स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ करेंगे, उसको उन चीज़ों की समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं एनएम सीपा का नाम लूँ, मैं राना तगरीना का नाम लूँ, मैं डिफरेंट चीज़ों का नाम उसको समझ आ जाएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप बेसिकली एक लिंग्विस्ट के पास जाए और उसे कहें राना तगरीना का पता है आपको, ये मुझे राना तगरीना बिल्कुल नहीं पसंद, तो उसको नहीं पसंद जाएगा कि राना तगरीना आप फ्रॉक को कहते हैं या एनएम सीपा अनियन है। आप किसी को जाकर पूछें महल्ले में आपके घर एनएम सीपा है तो कहेंगे क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में बात करें आप। तो बेसिकली आप किस डायलेक्ट में बात करती हैं, किस बंदे से बात करते हैं, ठीक है। अब आप बेसिकली आपका डायलेक्ट वेरी करता है, अगर आप एक अगर आप किसी लिंग्विस्ट से बात करेंगे ना उससे कहें आप कहेंगे ना कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है, तो उसको स्पेसिफिक टर्म का पता चल जाएगा। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड आप किसी और बंदे से बात करेंगे तो उसको जो है वो इन चीज़ों की जो है वो समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली ये चीज़ जो है ना वो वेरी करती है कि आप एक स्पेसिफिक कुछ हर एक चीज़ की ना एक स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, एक स्पेसिफिक एक फील्ड की एक स्पेसिफिक, इस तरह आप देखने कोई भी फील्ड होगी ना उसकी स्पेसिफिक टर्म्स होंगी, इस तरह कुछ केमिस्ट की होंगी, कुछ बायोलॉजिस्ट की होंगी, तो उस बंदे को उस टर्म्स की जो है ना बेसिकली वो समझ आती है। फिर इस मेंटेलिटीज क्या होती है कि हम लोगों का लैंग्वेज स्टाइल और डायलेक्ट, ठीक है ना, कि हम लोग किसी बंदे के साथ किस तरह बात करें, आइदर वी आर कम्युनिकेटिंग विद फेस टू फेस कम्युनिकेशन या फिर हम लोग किसी बंदे के साथ मैसेजेस ईमेल्स के थ्रू जो है वो बात करें, ठीक है। ये भी हम लोगों की डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है।
अच्छा हम लोग का जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का स्पीच टाइम वेरी करता है जब हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहे होते हैं, जब हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे होते हैं। अगर हम लोग अपने को वर्कर्स के साथ, अपने कुनिक्स के साथ बात करें तो हम लोग का और एड्रेसिंग स्टाइल होगा। तो हम लोग अपने को वर्कर्स के साथ जो है वो हम लोगों की जो फील की कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है वो तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वही टर्म्स हम लोग अपनी फैमिली के साथ जाकर यूज़ करना शुरू कर दें तो उनको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी तरह से एक स्पेसिफिक रजिस्टर होता है, एक स्पेसिफिक डायलेक्ट होता है जिसमें जो है वो आप बात कर रहे। अब डायलेक्ट का तो आप लोगों को पता ही होगा ना, जिस तरह हम लोग की उर्दू है ना, हम कहते हैं एक फैसलाबादी उर्दू और एक लाहौरी उर्दू है। जो लाहौर वाले बोलते हैं वो कहते हैं वो डे को बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, हम लोग नहीं करते। तो इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का रजिस्टर भी जो है वो जार्गन वेरी करते हैं। रजिस्टर जार्गन, जिस तरह मैंने पहले आपको एन एम सी पा की एग्जाम्पल दी, इसी तरह हम लोग का जो है वो रजिस्टर भी वेरी करता है। ठीक है, जिस तरह आप किसी कोई फ्रूट वाला जो है वो बाहर जो है वो फ्रूट सेंड कर रहा है, ठीक है, उसका जो है वो बेसिकली रजिस्टर, उसका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग डिफरेंट है, दैट इज़ फ्रॉम द लिंग्विस्ट। अच्छा, उसके बाद हम लोगों को पता है कि हर सोसाइटी में कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स होते हैं, कुछ टैबूज होते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ जो है वो जार्गन्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग जो है वो नहीं बोलते। वो चीज़ें भी बेसिकली इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ में आ जाती हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, तो वो भी इसी चीज़ों में आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्म्स। नॉर्म्स हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्म्स जो है वो बेसिकली कुछ कन्वेंशनल रूल्स ऑफ द सोसाइटी होते हैं टू कंडक्ट द स्पीच इवेंट। ठीक है, अब हम लोग विद इन सोसाइटी जो है वो किस तरह से एक स्पीच इवेंट को जो है वो गवर्न करते हैं, वो हम लोगों के नॉर्म्स में आते हैं। नॉर्म्स एक ऐसी चीज़ है जो कल्चर में डीपनी जो है वो रुकी होती है। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि इंडियन सोसाइटी में जो है ना, वो लोग फ्रॉग्स को इतना अच्छा एनिमल नहीं कंसिडर करते, लेकिन हम लोगों की हाँ, इस्लाम में हम लोग कहते हैं कि फ्रॉग अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा इबादत करता है। हम लोग मकड़ी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गार के सामने उसने जाला बुन दिया था, तो ताकि दुश्मन को जो है वो खबर ना हो सके। इसी तरह हम लोगों के यहाँ अब बीन का एक स्पेसिफिक मुकाम है, लेकिन इंडियंस जो हैं, इंडियंस क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि फ्रॉग एक अच्छा क्रिएचर नहीं है। इवन जब वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं तो वो फ्रॉग का वर्ड भी प्रोनाउंस करना मुनासिब नहीं समझते, उसके लिए टक्का का वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह हम लोगों के इस्लाम में भी कुछ वर्ड्स बोलना जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं समझ आता है। एनिमल जिसका नाम है पिक, जो बोलना अप्रोप्रिएट नहीं समझ आता है। यहाँ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि तो मेरे ख्याल से तो पर्पज़ ऑफ एजुकेट आप बोल सकते हैं। फिर हर एक सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं कि आप किस तरह से जो है वो बात करते हैं। दे आर नॉर्म्स कि आप स्टूडेंट टीचर से किस तरह बात करें। दे आर नॉर्म्स कि बच्चे पेरेंट्स जो है वो बच्चों से किस तरह बात करें, बच्चे जो है वो पेरेंट्स के साथ किस तरह से बात करें। ठीक है, फिर आप कोई बात कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे नहीं होता कि आप अपने बंदे की बात कट ऑफ करके बात करना शुरू कर दें। आपको आपने अपनी बारीक का इंतज़ार करना होता है। या एक बंदा बात करे तो आपने बीच में से किस तरह से अपना टर्निंग पॉइंट लेके आके अपनी बात करनी होती है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि ना बंदा बात करे आपने उसकी नहीं सुननी, आपने अपनी सुनाई जानी। या अगर कोई बंदा गलत मैसेज है वो कन्वे कर रहा है तो ऐसे नहीं होता कि आप कहें इधर आओ तुम, जरा मैं तो तुम्हें बताती हूँ तुम तो गलत मैसेज दे रहे हो, तुम तो मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते। कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपको कोई मिसकंसेप्शन हुई होगी, ये बात ऐसे नहीं थी या ये बात ऐसे थी, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ठीक है, हाँ, लेकिन हम लोग ये जाकर नहीं करते इधर आओ जाते मैं बताती हूँ, मैं तो तुम्हें छोड़ना नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, गलत बात कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं जिनके थ्रू हम लोगों ने बोलना होता है, जिनके थ्रू हम लोगों ने बातचीत करनी होती है। इसी तरह जॉनरा। अब जॉनरा जो है वो रेफर करता है टाइप ऑफ अटेंसेस। ठीक है, हम लोग किस तरह से हम लोग जो है वो कि जिस तरह हम लोग कहते हैं कि एक पोइट्री की स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, उसमें एक रिदम और राइमिंग स्कीम जो है वो होता है। जिस तरह इकबाल कहते हैं ना, तुंदिए बादे मुखानिफ से ना घबरा है उकाब, तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इसमें एक राइमिंग स्कीम है, लेकिन हम लोगों की जो डेली लैंग्वेज है उसमें ऐसी राइमिंग स्कीम नहीं होती। ठीक है, इसी तरह हम लोग के प्रोवर्ब्स हैं, उनका डिफरेंट स्टाइल होता है। अब कोई बंदा जो है वो पॉलिटिकली जाके कोई सियासतदान स्पीच कर रहा, उसका और स्टाइल होगा। कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहा, उसका और स्टाइल होगा। लेक्चर का और स्टाइल होगा। जब हम लोग जो है वो नमाज पढ़ते हैं या जो अपनी प्रेयर्स करते हैं उसका और स्टाइल होगा। कैजुअल एक दूसरे के साथ बात करते हैं उसका और स्टाइल होगा। तो बेसिकली हम लोगों का स्पीच स्टाइल जो है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट थिंग्स। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर हम लोग और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करके जाएं ताकि आपको आने वाले तमाम नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिल सकें।